नमस्कार, मैं सोनम आपके साथ जुड़ चुकी हूँ हरियाणा एक सफर के नए एपिसोड में। आज बात करते हैं उस जिले के बारे में जिसे हरियाणा का दिल कहा जाता है, यानी जींद के बारे में। बात करें जींद के इतिहास के बारे में तो पौराणिक रूप से कहा जाए तो भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने उनके नाम पर इस शहर का नाम रखा। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार शहर का नाम विजय की देवी जयंती के नाम पर पड़ा, जिनके संपन्न से पांडवों ने एक मंदिर बनाया था। उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले सफलता के लिए आशीर्वाद लेने के लिए देवी से प्रार्थना की। जींद कुरुक्षेत्र भूमि यानी 48 कोस की दिव्य भूमि का हिस्सा है, इसलिए अन्य शहरों के विपरीत जींद में मरने वालों के अवशेषों को पवित्र गंगा में विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं ले जाया जाता है, बल्कि जींद के किसी पवित्र तालाब या नहर में विसर्जित कर दिया जाता है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिले को विभाजित किया गया और जींद और नरवाना तहसीलों को हरियाणा में मिला दिया गया। उन्हें जींद जिले में गठित किया गया। 1967 में जींद तहसीलों को दो तहसीलों जींद और सफीदों में विभाजित कर दिया गया। जनवरी 1973 में कैथल तहसील के 54 गांवों को जींद जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। 43 गांवों को जींद तहसीलों में, 5 को सफीदों में तहसीलों में और 6 गांवों को नरवाना तहसीलों में स्थानांतरित कर दिया गया। एक गांव बरसोला को 1974 में हिसार जिले की हांसी तहसील से जींद तहसील में स्थानांतरित कर दिया गया था। बात करें जींद की डेमोग्राफी के बारे में तो यहां का क्षेत्रफल 2,702 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं यहां की कुल जनसंख्या 13,34,152 के करीब है। जींद जिले में 306 गांव आते हैं। जिले की एवरेज लिटरेसी रेट 74% है। वहीं हरियाणा टॉप यूनिवर्सिटी में से एक चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी यहां स्थित है। वहीं जिले में लगभग 48 कॉलेज हैं। प्राचीन मंदिर जींद जिले के प्रमुख आकर्षण हैं। देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट जिले के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। धमतान साहिब गुरुद्वारा, हरी कैलाश, जयंती देवी मंदिर, ज्वाला मालेश्वर तीर्थ, पिंडारा तीर्थ। अगर बात करें जींद जिले के डेवलपमेंट के बारे में, अतीत में जींद जिले में कुटीर उद्योगों का बोलबाला था। लोकप्रिय उद्योग जहां सोना, चांदी, बड़ी गिरी, तेल पेराई और चमड़े का काम होता था। 1966 में हरियाणा के एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के साथ कई बड़े औद्योगिक संयंत्र अस्तित्व में आए। जिले में पहली बड़ी औद्योगिक इकाई जो 1970 में अस्तित्व में आई वह दूध का उद्योग था। बाद में अन्य बड़े उद्योग स्थापित हुए जहाँ स्ताप उत्पाद और पशु चारा संयंत्र स्थापित हुए। यह उद्योग बड़ी संख्या में जिले के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करते हैं। वहीं जींद जिले ने भारत को तमाम बड़ी हस्तियां दी हैं, जिन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि भारत के नाम को ऊंचा किया है। सुमन कुंडू, अंशु मलिक, महावीर चक्र से सम्मानित लांस नायक हरि सिंह, युजवेंद्र चहल। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जिले के सफर को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।